Hey guys. इज़ मैं शिखा एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज़ तो गाइज़ गुड मॉर्निंग आज मैं अपना व्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और आज है बुधवार बज रहे हैं सुबह के साढ़े सात तो साढ़े सात बजे मैं अपना ब्रश कर रही हूँ और मैंने किचन में बर्तन वगैरह जो है क्लीन कर लिए मैं रात में कर नहीं पाती क्योंकि बच्चा जो है परेशान करने लगता है तो इसलिए मैं रात में क्लीन नहीं करती हूँ तो थोड़ा सा मेरा आदत है मैं वैसे तो एक्सरसाइज़ नहीं कर पाती हूँ बट जब मैं ब्रश वगैरह कर रही होती हूँ तो कुछ ऐसे वैसे कर लेती हूँ या चलती फिरती रहती हूँ तो उससे मेरे को लगता है कि चलो कुछ तो वर्कआउट हो गया और एक जगह खड़े रहने से अच्छा तो है ना कि यही हम करें तो यहाँ पे ब्रश मेरा हो चुका है ब्रश करने के बाद मुझे अब क्लीन करना है अपना फेस तो उसके लिए मैं जैसे साबुन नहाते टाइम साबुन लगाया जाता है तो मैं साबुन कभी नहीं लगाती मैं बेसन ही लगाती हूँ साबुन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इवन मुझे फ़ेस वॉश भी नहीं पसंद है मैं खरीद के कभी कभार अच्छा लगता है तो ले आती हूँ बट नहीं लगाती हूँ हाँ अगर कभी बाहर बाहर जाना हुआ तो फ़ेस वॉश वगैरह जो है वो लगा लेती हूँ और समटाइम्स मैं चिरौंजी लगाती हूँ चिरौंजी बहुत अच्छा होता है जाड़े के लिए तो स्पेशली अच्छी होती है बट आज मैं पीस नहीं पाई तो ये करने के बाद अब मैं अपना वॉश बेसिन साफ़ करती हूँ आ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता और वाइट कलर का होता है तो फिर ख़राब लगता है तो बस मैं एक स्क्रब लेती हूँ उसमें थोड़ा सा आ, बाथरूम क्लीनर लगा लो या फिर सर्फ ले लो या साबुन ले लो ये सब करके बस थोड़ा थोड़ा सा स्क्रब कर देती हूँ तो वॉश बेसिन साफ़ रहती है और जब आप वॉश बेसिन में हाथ धुलना ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है और उसके बाद यहाँ पे मैं एक सूखे कपड़े से पोछ देती हूँ उससे क्या होता है ना कि पानी नहीं गिर रहा होता है तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे बाद में अभी अब बस मेरे नहाने का टाइम हो गया है और आज जो है बुधवार है जैसा कि मैंने आपको बताया तो आज मुझे काना जी के वस्त्र जो हैं वो बदलने हैं बहुत दिन से काना जी ने, ने ये कपड़े पहने थे मैं नए लेके आई थी तो मैंने सोचा चलो आज वस्त्र बदलती हूँ तो आज इनको मुझे नाई नाई भी करवाना है यानी मुझे नहलाना है तो ये मैंने थोड़ा सा पानी गुनगुना किया था और उसी से मैं धुल रही हूँ हालांकि गीजर के पानी से भी कर सकती हूँ बट अभी किचन में नहला रही हूँ तो फिर सोचा हल्का सा पानी गुनगुना कर लूँ तो मेरे कान्हा जी जो हैं वो नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं और थोड़ा सा रास्ते में ले जाते हुए हो सकता है उन्हें थोड़ी ठंड लग गई हो थोड़ा पहले ही टॉवल में लपेट के ले जाना था उन्हें तो यहाँ फिर एक साफ कपड़े से मैं उन्हें अच्छे से पोच दे रही हूँ कोई भी गंदा कपड़ा यूज़ नहीं करना है और हालांकि पानी वगैरह में दूध वगैरह डाल सकते हैं दूध वगैरह से स्नान करा सकते हैं और इनकी आसनी पे मैंने एक रेड कपड़ा नया बिछा दिया है ये ब्लाउज का पीस था तो वो रखते हैं बेसिकली हम लोग जैसे कि भगवान जी के चौकी वौकी पे डालने के लिए मंदिर वगैरह में डालने के लिए तो ये मैं वस्त्र लेके आई थी उस दिन मार्केट से आप मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है हालाँकि मेरे कान्हा जी जो है ना बहुत बड़ा कपड़ा हो गया है उनका मतलब समझ लीजिए कान्हा जी अगर छः महीने के हैं तो उन्होंने दो साल के बच्चों का कपड़ा पहन लिया है कुछ ऐसा लग रहा है और आपको भी दिख गया होगा ये पच्चीस रुपए का कपड़ा है देखने में बहुत सुंदर था तो पगड़ी वहाँ पे थी नहीं तो मैं लाई नहीं थी तो पगड़ी जो है वो मैंने पुरानी पहना दी है बट मैं सहरा जो है उनका वो बाद में फिर से मैं जब जाऊंगी मार्केट तो मैं ढूंढूँगी वहाँ काश मुझे मिल जाए और ये माला भी तो बस पूजा पाठ हो गई उसके बाद अभी ये दोपहर का टाइम हो गया है और खाना पानी सब हो गया था मैंने किचन वगैरह क्लीन करके रख दिया था फिर बर्तन वगैरह जो है वो भी धुल दिए थे तो वो सारा मैं सेट कर दे रही हूँ जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी आ, मैं किचन में आती हूँ तो सबसे पहला काम जो मेरा यही होता है और आपने किचन की मेरी वीडियो देखी कि नहीं किचन क्लीनिंग की और किचन क्लीनिंग आप देख रहे होंगे मेरा जो प्लेटफॉर्म है कितना क्लीन लग रहा है कितना साफ़ लग रहा है और आज मैं बनाने वाली हूँ घुगनी मसालेदार मसालेदार का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ इसमें धनिया पाउडर या फिर गरम मसाला डालूंगी मैं इसमें डालूंगी धनिया हरी धनिया मिर्च लहसुन और अदरक को क्रश करके तो बहुत नई रेसिपी है मतलब मेरे मैंने कभी दिखाई नहीं है तो आप ट्राई कीजिएगा तो यहाँ तेल में मैंने जो जीरा है वो चटका लिया है अच्छे से भुन गया जीरा उसके बाद यहाँ पे मैंने मटर डाल दिया है मटर डालने के बाद अगर आपका मानो आलू डाल लो आलू ऑप्शनल है चम्मच से चलाने के बाद मैंने उसे छोटे से प्लेट पर रख दिया इससे क्या होता है प्लेटफॉर्म पर स्टेन नहीं आता है ऑयल वगैरह का तो यहाँ मैं अदरक जो है छील ले रही हूँ तो अदरक मुझे दो काम के लिए चाहिए एक तो चाय में डालने के लिए और दूसरा घुगनी में डालने के लिए तो उसमें एक इंच या दो इंच का टुकड़ा आप ले सकते हो अदरक का और उसके साथ ही साथ मेरे को चाहिए धनिया मिर्चा लहसुन तो धनिया भी मैं निकाल के लाई हूँ और उसको धुल के अच्छे से अब मैं आ, डाल दूँगी तो यहाँ मैं चाय के लिए यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ तो मैंने अदरक जो है चाय में डाल भी दी है और उसके बाद अब यहाँ लहसुन डाल दिया है मिर्चा डाल दिया है एक ग्राइंडर में और अदरक को भी छोटे छोटे पीस में डालूँगी अदरवाइज़ वो पूरा सही से कटेगा नहीं और धनिया भी मैंने रफली चॉप कर ली है यहाँ पे पिस के तैयार हो गया हल्का सा पानी मैंने डाल दिया था ताकि धनिया अच्छे से कट जाए और ये मैंने घुगनी में डाल दिया और पता है टेस्ट कैसा आता है एकदम जैसा वो धनिया के आलू वाला टेस्ट आता है ना सेम वैसा ही टेस्ट आता है यार बड़ी मज़ा आ जाती है खाने में और यहाँ मेरी चाय भी बन गई है बस वेट कर रही है कि कितनी जल्दी ये कप के अंदर जाए और लोग इसको पिए बिल्कुल उबाल मारने लगी है मेरी चाय चलिए सबको छान के देते हैं पिलाते हैं और देखते हैं कमरे में हो क्या रहा है तो जब मैं कमरे में गई तो मैंने देखा कि ये जो है सॉन्ग के लिए रो रहे थे मतलब इनको डांस करना था तो ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं मेरे को ही मोबाइल दो मैं अपने हाथ में ले के डांस करूँगा तो कैसे ये दे, देख रहे थे डांस और उसके बाद जब उनसे मोबाइल ले लिया गया तो ये डांस डांस कह के चिल्ला रहे थे और मोबाइल जो है वो छीन रहे थे तो यहाँ पे मोबाइल छीन लिया गया था इसलिए गुस्सा हो गया और फिर ये हुआ कि चलो हम दिखा रहे हैं तब तुम डांस करो तो देखिए कैसे एकदम रोबोट की तरीके से डांस कर रहा है इसको डांस करना जाने कितना पसंद है और समटाइम्स वो स्टेप भी फॉलो करता है और अब देखिए मैंने अपने लिए निकाल लिया है तो आप देख सकते हो कैसा लग रहा है तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा देखने में कि मटर पकी नहीं है एक्चुअली थोड़ी कट कड़ी, कड़ी मटर थी ये और अब मैं जा रही हूँ अपना कपड़ा स्टिच करवाने के लिए मैं शिखा एंड वेलकम बैक टू YouTube चैनल कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ठंड है ना तो ख्याल रखिएगा अपना आप लोग थैंक यू सो मच गाइज आप लोग इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हो ना कि मेरा दिल खुश हो जाता है मुझे दिव्या जी ने सुमन जी ने मोहित अडवाणी जी ने और अनुराधा जी ने गुड़िया राठौर जी ने सब ने इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट किए यार थैंक यू सो सो मच गाइज जो लोग मुझे देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं आप सभी को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत धन्यवाद तो आप लोग को तो पता ही होगा उस दिन मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मैं मार्केट गई थी और मैं मार्केट से कुछ बहुत सामान लेके आई हूँ मैं अभी एक्चुअली कुछ कपड़े वगैरह लिए थे जिनको मैंने स्टिच कराने के लिए दे दिए हैं और मैंने कुछ एक्सेसरीज़ ली थी जो मैं आप लोगों को सोच रही थी दिखा दूँ तो ये देखिए मैंने आपको बोला था ना कि कॉस्मेटिक की या कुछ ऐसी शॉप होती है ज्वेलरी वाली तो मैं वहाँ रुक जाती हूँ और मैं वहाँ से ये सारा लेके आई देख लो कितना ब्यूटीफुल है ये पिकॉक वाला जो है ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसका प्राइस उसने सेवेंटी रुपीज़ बोला था और ये सिर्फ मुझे फिफ्टी रुपीज़ में मिल गया मुझे बहुत पसंद है ये और उसके साथ ये झुमकियां जो है इसका उसने वन ट्वेंटी बोला था और उससे इसी मुझे उसने सौ रुपये में दिया है ये भी काफ़ी अच्छी है मतलब देखने में पहनने में बहुत अच्छी लगेगी जब मैं पहनूंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी और और भी काफ़ी सारा सामान लिया था मैंने छोटे छोटे सामान थे मैं आप लोग को फिर वो दिखा दूंगी फिर वहाँ पे पता है एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं घर आई ना मैंने अपने हस्बैंड से तो बिल्कुल भी बात नहीं की मैं बहुत गुस्सा रही और वो इंसिडेंट ये है ना कि पता है जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने ढेर सारे कपड़े लिए मतलब कुछ प्लेन सूट लिए मैंने एक तो पूरा शलवार कुर्ता का लिया मैंने और एक सिर्फ मैंने कुर्ती का लिया तो क्या था ना मुझे जो कलर चाहिए था वो मुझे कलर कहीं नहीं मिल रहा था तो कई दुकानों पे मैंने सर्च किया तब भी वो कलर नहीं मिल रहा था उसे सिमिलर थोड़ा मिल रहा था तो मैंने सोचा चलो अच्छा ठीक है यही ले लेती हूँ फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या कलर 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 चल रहा था मतलब कुछ भी मेरे दिमाग में और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे को ऐसे ही लग रहा था यार मेरे को तो ये कलर का सूट बनवाना था और अभी ये नहीं मिल रहा है अब मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फिर मेरा दुबट्टा जो है उसका वो थोड़ा सा शाइनी वाला कलर है और पता नहीं इस कॉटन वाले कपड़े के साथ जाएगा कि नहीं मतलब ये सब चल रहा था और मैंने शॉपकीपर को दो हजार की नोट दे रखी थी और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा और मैंने जो है अपने बैग में कपड़े डाले और मैं लेके चली आ रही थी तब शॉपकीपर बुला रहा है अरे मैडम आपने क्या कहते हैं हमें दो हजार की नोट दी है और आपने पाँच सौ रुपये के सिर्फ कपड़े खरीदे हैं और आप अपना जो बच गया है पैसा वो ले लीजिए तो मैंने सोचा अरे यार शिट मैं कैसे भूल गई फिर मैंने कहा सॉरी आप दे दीजिए और अच्छा हो आपने मुझे याद दिलाया वरना फिर रह जाता तो वही हस्बैंड भी खड़े हुए थे मेरे को मतलब ये सुनाने लग गए कि अरे कहाँ तुम्हारा दिमाग रहता है मार्केट आती हो दिमाग थोड़ा सा शांत रख के आया करो और तुम भूल गई ऐसे ही दो हजार का नोट वहीं पे मतलब सुनाना शुरू कि दो हजार का नोट इनको दे दिया क्या पता तुम ऐसे हमेशा करती होगी और मतलब इतना सुनाया कि मैं क्या बताऊं और वहां पे चार पांच लोग बैठे हुए थे और मतलब पता नहीं यार औरतों को हंसने में कितनी मजा आती है वो हंसना स्टार्ट कर दिया उन्होंने नौटंकी एकदम और उनके साथ जो हस्बैंड थे मतलब काना फूसी एकदम चलने लगी मुझे इतनी गुस्सा लगी इतनी गुस्सा लगी अरे ठीक है अगर आपको ये बातें कहनी थी तो आप शॉप से बाहर निकल के बोल सकते थे मुझे या फिर ये बात घर में बोल सकते थे मैं मानती हूं यार मैंने गलती की मतलब गलती क्या ब्लंडर किया मैंने बहुत बड़ी गलती की और ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कपड़े वगैरह लो बट पता नहीं यार मेरे दिमाग में क्या गूंज रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मतलब अभी भी मैं सोच रही हूँ कि ऐसी कैसे गलती हो गई लेकिन उसके लिए मेरे को ये इन्होंने एकदम बोल दिया कि तुम पढ़ी लिखी गंवार हो तो मतलब अगर किसी अनपढ़ से ये चीज़ एक्सपेक्ट किया जाए तो चलो समझ में आता है अगर तुम पहली बार आई होती दुकान पर और तुम इतनी हड़बड़ी में ये सब काम करती तो तुमसे उम्मीद की जा सकती थी और तुम इतना तुम मार्केट आने को तो तुम रोज़ मार्केट आ जाओगी और कुछ भी होश ही नहीं रहता है तुम्हें मुझे बहुत गुस्सा आई मतलब मैंने हस्बैंड को बोला कि अगर आप आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था दूसरों के सामने वो लोग कैसे हंस रहे थे कितनी बेजती फील हुई और अगर आप फिर से कभी ऐसे बोलोगे ना तो मैं आपके साथ कभी भी मार्केट नहीं आऊँगी तो मतलब बहुत दिल हर्ट किया यार बहुत दिल हर्ट किया बहुत गुस्सा आ रही थी और ख़ुद पे भी गुस्सा आ रही थी यार कि मैंने ऐसा क्यों किया तो मेरे को तो लगता है ना कि हस्बैंड ऐसे ही होते हैं मतलब कुछ भी जरा सा वाइफ से गलती हो जाए उसके लिए एकदम सुनाना शुरू कर देंगे तो गाइज ये था मेरा व्लॉग आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है उसको देखना मत भूलिएगा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल